हेलो बच्चों, आज हम लोग ब्लॉच डिजीज के बारे में बात करेंगे कि ये किस पौधे में ये बीमारी लगती है, इसका कॉजेटिव फैक्टर क्या है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इसको फैलाता है। तो देखते हैं ब्लॉच ब्लॉच डिजीज। वन बाय वन देखते हैं प्लांट पैथोलॉजी सेक्शन में ये देखने को मिलता है ब्लॉच डिजीज। धब्बा, ब्लॉच मीन्स धब्बा दिखेगा। इसमें एक फिगर बनाते हैं लीफ का, इसे देखेंगे, लीफ का फिगर बनाते हैं। इसमें आप देखेंगे कि हल्का हल्का धब्बा ऐसे ऐसे, इसे देख देख रहे हैं, ये हल्दी हल्दी की पत्ती है और बीच में देखिए ब्लॉच, ये देख सकते हैं छोटा छोटा बना हुआ है, ये देख सकते हैं, ये यहाँ ये दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको ब्लॉच। हल्दी में, टर्मरिक के लीफ में देखने को मिलता है और शुगर केन में भी देखने को मिलता है अपर सरफेस पे। तो यहाँ देखेंगे, दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ 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 फंगल इन्फेक्शन है और उसके माइसीलियम के द्वारा ये होता है, तो इसी को हम ब्लॉच बोलते हैं। ब्लॉच ये लीफ है। अब इसमें आप देखते हैं कि पता चल गया कि हल्दी में होता है, शुगर केन में भी होता है। पॉइंट बना के वन बाय वन लिखते हैं। ब्लॉच डिजीज इज ए प्लांट डिजीज, पौधे में ये होता है, ठीक ना, कॉज्ड बाय, किसके द्वारा होता है, कॉज्ड बाय फंगस माइसीलिया, फंगस माइसीलिया। तो ये भी ध्यान देना कि ब्लॉच डिजीज किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया वायरस फंगस, तो फंगस के द्वारा होता है। और ये क्या करता है, स्प्रेड, किस पे स्प्रेड करेगा, ऑन द सरफेस ऑफ ऑफ लीफ। जैसे ये देखने को मिल रहा है, ये ऊपर लीफ है, इसमें देख सकते हैं सरफेस ऑन द लीफ और फ्रूट्स के ऊपर भी दिखता है, लीफ या फ्रूट, और इसी को क्या कहते हैं, नोन एज ब्लॉच। ये जो कंडीशन बनाता है इसको ब्लॉच है, जिसमें होता है उसको, इसकी बीमारी बोल देते हैं ब्लॉच डिजीज बोल देते हैं। अब देखेंगे कि होता कैसे है, दूसरा पॉइंट बना सकते हैं इसका, इसका देख के कैसे आप जानेंगे। जैसे ये दिख रहा है, ये हल्दी की पत्ती है और दिखने इरेगुलर टाइप का है, इस यहाँ छोटा है, यहाँ थोड़ा सा और बड़ा है, यहाँ और बड़ा है, इरेगुलर टाइप का रहता है, कोई डेफिनेट साइज नहीं रहता है, इसके जो धब्बे बनते हैं उसका कोई डेफिनेट साइज नहीं रहता है, इसलिए लिख सकते हैं ब्लॉच डिजीज आर इरेगुलर या इनडेफिनिट भी लिख सकते हैं, मतलब कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लार्ज, बड़ा भी होता है और स्मॉल भी होता है, नेक्रोटिक, लार्ज या स्मॉल नेक्रोटिक एरियाज ऑन, कहाँ पे होता है ये, लीव्स और फ्रूट, अभी बताया गया लीव्स और फ्रूट, ठीक है बच्चों। ये आप देखेंगे ब्लॉच डिजीज छोटा बड़ा भी हो सकता है, कोई इसका रेगुलर साइज नहीं होता है, इरेगुलर टाइप का होता है, और फ्रूट और पत्तियों पर देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि किसके द्वारा होता है, तीसरा पॉइंट,
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कास्ट बाय नाम लिखेंगे, कास्ट बाय टेफ्रिना माइक्यूलैंस, टेफ्रिना माइक्यूलैंस ये जीनस है, ये स्पीसीज, और ये क्या है, यह एक फंगस है। तो ये एन एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है, यानी एस्कोमाइसिटीज फंगस लिख सकते हैं। ये भी पूछ देता है कि ब्लड डिजीज रिलेटेड टू, तो एस्कोमाइसिटीज या नाम अगर जो दिया है तो टेफ्रिना हो जाएगा। इन लीफ ऑफ हल्दी या टर्मरिक कर सकते हैं, टर्मरिक, ठीक है ना। हल्दी, हल्दी आप डेली खाते ही हैं, हल्दी का आजकल पाउडर मिलता है, पहले लोग उसको कूट पीस के बनाते थे, लेकिन अब पाउडर फॉर्म में मिलता है, तो उसको डायरेक्ट सब्जियों में डालते हैं और कॉस्मेटिक में भी यूज होता है। तो उसमें ये जब लीफ पे ब्लॉच बना लेता है तो उसका ये फोटोसिंथेटिक एरिया कम हो जाता है और उसका जो खाना बनाने की प्रक्रिया घट जाती है, तो ग्रोथ ओवरऑल घट जाता है और ये इरेगुलर टाइप के होते हैं, तो इसलिए नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इसको डिजीज बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चौथा पॉइंट, चौथा इसमें आप देखेंगे, अभी शुगर केन की बात हो रही थी, इसमें शुगर केन में कैसे होता है, यानी नोट कर लेंगे, ये एक ड्रेसबिसलेरा हेलोडिस किस पे काज करता है, काज्ड लीफ ब्लॉच ऑफ ब्लॉच ऑफ शुगर केन, शुगर केन के लीफ पे ये लीफ ब्लॉच काज करता है। जैसे आप उसके लीफ पे देखे थे वैसे आप शुगर केन के लीफ पे भी देख सकते हैं। मेरे पास लीफ है, थोड़ी पुरानी है लेकिन आप समझ जाएंगे, थोड़ी सूख गई है। इस पे देखेंगे आप, ये शुगर केन की लीफ है और इस पे भी स्पॉट स्पॉट दिख रहे हैं, छोटे हैं कुछ बड़े हैं, सूख गई है इसलिए थोड़ा समझ में उतना नहीं आ रहा है, मैंने तोड़ कर रखा था। तो ये उस पे देखने को मिल रहा है लीफ ब्लॉच। नोट कर लेंगे, अब देखते हैं एक और इसमें कब ये ज़्यादा काज करता है, यानी ये होने का चांस कब सबसे अधिक रहता है। तो पांचवा पॉइंट बना लेते हैं, इसमें देखेंगे आप कि ये जो फंगस होता है, यानी टेफ्रिना है या ये भी जो है वो, यानी फंगस एक्टिव ड्यूरिंग कब होगा। फंगस अक्सर एक्टिव होते हैं जब मॉइस्चर ज़्यादा, मॉइस्ट ज़्यादा होता है, तो लिख सकते हैं मॉइस्ट क्लाउडी, मॉइस्ट भी हो और क्लाउडी भी हो और क्या हो, वेदर, वेदर, यानी अब ये समझ में आ रहा है कि बरसात का दिन, यानी इसको लिख सकते हैं स्पेशली स्पेशली रेनी डे हो जाएगा या स्पेशली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, ये आप देखेंगे अगस्त सितंबर में
में काफ़ी देखने को मिलता है, यानी जुलाई के बाद मॉइस्चर इन्वायरमेंट हो जाता है, ह्यूमिडिटी वातावरण में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उसी समय ये थोड़ा सा अटैकिंग मोड में रहते हैं। तो आप देखते हैं कि अगस्त और सितंबर में इनका प्रकोप ज़्यादा रहता है, उस समय पत्तियाँ भी काफ़ी निकली होती हैं और बड़ी हो जाती हैं, तो उस समय नुकसान ये ज़्यादा पहुँचाते हैं। अगर जो ये बनता है, स्पॉट बनता है, तो पौधा ऐसे ही प्रॉब्लम में आ जाता है, इनका फोटोसिंथेटिक जो एरिया है वो घट जाता है, तो ओवरऑल इनका फूड प्रोडक्शन डाउन होता है। जब ये कम होगा तो हल्दी जो बनती है वो कम होगी, प्रॉब्लम में रहेंगे। तो और ये देखेंगे जो ये जो ब्लॉच है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई इरेगुलर टाइप का होता है, तो इस प्रकार से इसमें अंतर आता है। अभी दोनों देखें आप, हल्दी की पत्ती और शुगर केन, तो दोनों में समझ में आ गया होगा कैसे कैसे स्पॉट बनते हैं। तो ये था ब्लॉच डिजीज़, और ये फंगल डिजीज़ है, और टेफ्राइना अभी देखें आप। इसमें और कोई डाउट हुआ आप ज़रूर पूछेंगे। ओके बच्चों, तो यहीं क्लोज करते हैं। ओके बाय बच्चों, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे।